नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। आइए जानते हैं अररिया नगर परिषद के चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी सह अंचलाधिकारी से रिटायर्ड अब्दुल वहाब अंसारी से इनका परिचय। मेरा नाम है अब्दुल वहाब अंसारी, मैं सेवानिवृत्त अंचल पदाधिकारी हूं और सेवानिवृत्त होने के बाद मैं सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हूं। लगभग 10 साल से मैं रिटायर के अवधि से मैं काम कर रहा हूं और इसी बीच ये चुनाव आ जाने से और सरकार के प्रावधान में कुछ संशोधन हो जाने के कारण तो हमने एक एरिया में अपना जो है एक संभावना यात्रा किया और उसमें देखा कि स्थिति बहुत ख़राब है, तो इसको ठीक करने के लिए या इसको सुधारने करने के लिए कोई सूरत होनी चाहिए। तो हमने कदम रखा और लोगों के सामने बात को रखा और उनको घोषणा पत्र भी दिया। लोगों ने कहा कि ठीक है, आप आइए, हमसे मिलिए, हम लोग समर्थन देंगे। उस लिहाज से मैं मैदान में खड़ा हूँ और इस काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आपकी जीत सुनिश्चित होती है महोदय, तो नगर विकास के लिए आपकी क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या विकास करेंगे आप? हमारा है कि अगर हमारा समर्थन मिलता है तो मैं विकास के कामों में जन भागीदारी लोगों की सुनिश्चित करूंगा और ईमानदारी, पारदर्शिता और तत्परता कायम करने के मैं भरसक प्रयास करूंगा। अररिया सदर अस्पताल के परिसर में बने लंबे समय से अधर में लटके मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को सुचारू रूप से संचालित करने में इनकी क्या निगाह बनती है, क्या विचार बनता है? जी हाँ, चूँकि उसमें मालूम है कि मामला कोर्ट में है और मामला कुछ एनओसी से उलझा हुआ है। चूँकि अभी हमारी नई सरकार है, हमारे जो मंत्री हैं, जो शहरी और आवास मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। मैं कोशिश करूंगा कि भाई कम से कम एनओसी मिल जाए और ये मार्केट बसाया जाए, उजाड़ा नहीं जाए, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। सर से जानते हैं अररिया में ही बने अल्पसंख्यक छात्रावास की जो स्थिति आपके नजर पे है सर, उनको सुचारू रूप से संचालित करने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? उसकी मैंने चूंकि निर्माण 2000 में हुआ था और 22 साल बीत गया और किसी ने इसको नोटिस नहीं लिया। मालूम हुआ कि मामला कोर्ट में है, मैं उस पर उसकी भी मैं देखना चाहूंगा, झांकना चाहूंगा, उसकी भी समस्या का समाधान जो उसकी पार्टी में, उससे बात करूंगा और बात कर उसका समाधान निकालूंगा मैं। और कुछ संदेश सर मेरे चैनल के माध्यम से पूरे नगर परिषद अररिया की जनता को? जनता से कहना है कि अररिया का जो मामला है वो आप अररिया की तस्वीर बदलने में जो हमने प्रयास किया है, जो हमारी कोशिश है, उसका समर्थन उनको देना चाहिए। अगर उनका समर्थन मिलेगा तो हम भरसक अररिया की तस्वीर बदल दूंगा मैं। लोग समझेंगे कि ऐसा लगता है कि नया प्रशासन अररिया के लिए कुछ किया है और मैं करूंगा। और समय समय पर कोई भी जो समस्या हमारे सामने आएगी मेरी जानकारी में, मैं उसका नोटिस लूंगा, वो हमारी प्राथमिकता में शामिल होगी और अररिया नगर परिषद को मैं आदर्श बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। में क्या सुधार लाने की मंशा रखते हैं? तो हमारा ये है कि नगर परिषद में जितने भी स्कूल हमारे हैं उसके शिक्षा पर हमारी निगरानी होगी और मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, तीन हमारी प्राथमिकताएं हैं। और चूंकि हम हॉस्पिटल में रोगी कल्याण समिति का मैं सदस्य रहूंगा, तो नगर परिषद ही नहीं बल्कि जिला के किसी भी ब्लॉक से, किसी भी गांव के, किसी पंचायत के लोग रहेंगे, उनको स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्राथमिकता होगी और शिक्षा हर स्कूल पर निगरानी होगी और हर आदमी को जो प्रधानमंत्री का योजना है आवास मिलना चाहिए, मैं आवास देने का व्यवस्था करूंगा। विशेषकर गरीब जनता को सर वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन पे आपकी क्या राय बनेगी अगर आपकी जीत होती है? जी हाँ, उनको देने की मेरी प्राथमिकता होगी। अगर वो विधवा हैं जो हमारे नगर परिषद से रिलेटेड रहेंगे, उनका भी कार्य करेंगे हम। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री का योजना है विधवा वृद्धा, उस काम को भी हम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे। पूरे नगर परिषद क्षेत्र में डीलर की जो मनमानी हो रही है महोदय, इस पे आपकी क्या राय बनेगी? मैं उसको रोकना चाहूंगा। मनमानी होगी, मैं सारे डीलरों से संपर्क करके उनको मैं मार्गदर्शन दूंगा और अपने जो चूंकि हमारे शहरी सरकार के अंदर जितने डीलर होंगे उन पर हमारी निगरानी रहेगी, उनसे हमारी सीधी बातचीत होगी। को ऐसी कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि क्या हो रहा है, सबको देखने में, पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। इसके साथ जो वार्ड का, जो वार्ड सभा का हम जो व्यवस्था करेंगे उसमें वार्ड में पढ़ने वाले जितना भी टोला मोहल्ला होगा उसकी भागीदारी मैं सुनिश्चित करूंगा और जो प्रस्ताव पारित होगा उस प्रस्ताव में टोला वाइज उसका प्रस्ताव को क्या कहते हैं कि हम प्रस्तावित करने का व्यवस्था करेंगे हम, ताकि उसके मुताबिक काम वार्ड का हो सके, नगर परिषद का हो सके। पूरे नगर परिषद क्षेत्र 1 से 29 तक महोदय, शौचालय के क्षेत्र में क्या निगाह रहेगी आपकी? जी हाँ,
यह है कि अररिया ये नहीं कि नगर परिषद का शहर है, नहीं, बल्कि ये 211 पंचायतों का शहर है ये, और कुछ इसमें नगर परिषद का हिस्सा भी है। तो इसमें सारे लोगों की जिम्मेदारी ये होती है कि 211 पंचायत के अंदर, 211 पंचायत के अंदर मान ले लोगों को परेशानी होती है अररिया पहुंचने के बाद। बुनियादी परेशानी ये होती है, लोग आते हैं तो पानी नहीं मिल रहा है, तो पेशाब पैखाने की दिक्कत होती है, उस पर हमारी प्राथमिकता होगी कि यहाँ विश्राम गृह भी दिया जाए और शौचालय भी यहाँ बनवाया जाए और उसका हम व्यवस्था करेंगे। उसके साथ साथ अररिया आरएस मार्केट रजोखर बाजार में भी शौचालय और क्या कहते हैं कि विश्राम गृह का हम व्यवस्था करें, माने निर्माण का कार्य करेंगे हम। विजयादशमी, दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पे अपने नगर परिषद अररिया की जनता को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मैं हर किसी भी त्यौहार के मौके पर जो व्यवस्था शुरू से चला आ रहा है उसको मैं व्यवस्थित करना चाहूंगा, ताकि हमारे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मैं उसके लिए भरपूर प्रयास करूंगा, जो सुविधा है मैं उसको व्यवस्थित करूंगा। धन्यवाद। अभी आपने सुना नगर परिषद अररिया के चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी सह रिटायर अंचलाधिकारी अब्दुल वहाब अंसारी की राय, जिन्होंने अपनी राय से मेरे कानूनी जंग न्यूज चैनल को अवगत कराया। देखते रहे।